अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद नौरीन में आप सबको वेलकम है। हमारी आज की रेसिपी है चिकन ग्रिल टिक्का। उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। चिकन को मैंने कट्स मार के रख दिया था। ये 1 kg चिकन की लेग है। हरी मिर्च को मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। 2 tablespoons इसमें लहसुन अदरक जाएगा, आधी प्याली इसमें दही जाएगी, 2 मैंने लेमन को का रस निकाल के रख लिया था, 1 tablespoon इसमें टिक्का मसाला जाएगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसमें किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप ले सकते हैं। थोड़ी सी इसमें क्रीम जाएगी। चाट मसाला 1 tablespoon, पिसी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon, पिंच ऑफ फूड कलर ऑरेंज फूड कलर, पिंच ऑफ काला नमक एंड सॉल्ट, और गरम मसाला 1 tablespoon। बोलो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इन सब मसालों को हम अपने चिकन में ऐड करते हैं। चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही 1/2 cup, 2 lemon मैंने इनको रस ले लिया था इनका, 1 tablespoon टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप, 2 tablespoon के करीब इसमें क्रीम जाएगी। आइए इसको मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं अब 24 hours के लिए इसको रख दूंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और आपको इसी दिन ये रेसिपी बनानी है जिस दिन आपको पकाना है, तो आप 3-4 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दें, फिर आप इसको कुक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको 24 hours के लिए कुक कर 24 hours के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी। अंदर मैं ऑयल डालूंगी 1 मिनट अभी। इसमें मैं 4 tablespoon ऑयल ऐड कर रही हूँ। और भी बात करनी है। ये रेसिपी मैं डेडिकेट करूँगी आयशा इसरार को। ये उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ ये रेसिपी, तो ये रेसिपी मैं डेडिकेट करूँगी आयशा इसरार को। चिकन को हमने 24 hours के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब हमने इसमें कोयले का स्मोक दिया है। आइए हम अपने ग्रिल टिक्के को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ऑयल से हम ग्रिलर को ग्रीस कर देंगे। आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्का हमने ग्रिल पे रख दिया है। जब तक ये नीचे से पूरा बन नहीं जाता, इसको हम टर्न नहीं करेंगे। ग्रिल टिक्का हमारा अब ये ग्रिल हो रहा है। अभी ये एक साइड से ग्रिल हो जाए तो आपको इसको टर्न कर देना है, और जो
जो ये दही का पानी और मसालों का पेस्ट मेरे पास बच गया था उसको मैं एक पतीली में अलग से खुशक करके रख रही हूँ ताकि वो हम ऊपर टिक्कों पे डालें।